पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अंबेडकर जयंती पर जय भीम के उद्घोष के साथ भाषण की शुरुआत कर बसपा के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने तशखस में एक के बाद एक कई तीर चलाए। वे मुरादाबाद में सर्किट हाउस के पीछे के मैदान में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। मोदी ने कहा कि बहन जी आज उन लोगों के लिए वोट मांग रही हैं जो बाबा साहेब अम्बेडकर को भूमाफिया बताकर गालियां देते हैं। बुआ बबुआ के चुनावी तालमेल पर तंज कसते हुए मोदी ने कहा, राजनीति क्या क्या दिन दिखाती है, आज हाथी साइकिल पर सवार है और निशाने पर चौकीदार है। मोदी यह भी याद दिलाना नहीं भूले कि बसपा सुप्रीमो ने कभी मुलायम सिंह को पागलखाने भिजवाने की सलाह दी थी। मुरादाबाद, रामपुर और संबल तीनों लोकसभा सीटों की बाबत होमवर्क करके आए मोदी ने बिना नाम लिए रामपुर के गठबंधन प्रत्याशी आदम खां और संबल के शफीकुर रहमान वर्ग पर भी हमला बोला। मुस्लिम वोटरों के असर वाली सीटों पर तीन तलाक के मुद्दों को भी छुआ और कहा कि 23 मई के बाद संसद में इस पर कठोर कानून लाएंगे। निर्धारित समय से 15 मिनट देरी से पहुंचे मोदी ने रैली में अपनी बात बाबा साहेब अमर रहे और जय भीम के नारों के साथ शुरू की। मंच पर तीनों प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह मुरादाबाद, जयपर्दा रामपुर और परमेश्वर लाल सैनी मौजूद रहे। मोदी ने कहा कि आप कमल का बटन दबाएं, वोट सीधे मोदी को ही मिलेगा। All right।
बीच चौराहों में सर्किल पर स्ट्राइक करके तीन नदी आरोप उठा रहे हैं। उन्होंने दूसरी बड़ी गलती पुलवामा की, मेरे देश की माता है, मेरे देश की बेटियां
है कि विदेशी टोलियों और पकाने ये चौकीदार करोड़ों की गरिमा का चौकीदार बन पाया।